प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। राष्ट्रपति का आज से झारखंड और ओडिशा का 4 दिवसीय दौरा, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल की राजनीति में हड़कंप, आज विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। वहीं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने ऑब्जर्वर किया नियुक्त। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद विवादों में घिरे कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, समर्थकों पर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप, बीजेपी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। और आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी सरकार। आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी तय करना है मकसद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री थूथुकुडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वीओ चिंदबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इस प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना से क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री वीओ चिंदबरनार बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के उद्देश्य से कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में अलवरीकरण और संयंत्र हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा शामिल है। प्रधानमंत्री हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 प्रकाश स्तंभों में पर्यटक सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान वांची मनियाची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण की रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु में लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के अपने दौरे के दौरान तिरुनेलवेली में विशाल जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को लेकर तमिलनाडु के प्रदेश सचिव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और एक तरह से आगाज है तमिलनाडु में बीजेपी के अभियान का। हम यहाँ पर बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव हैं सेल्विन चौहान। सेल्विन, किस तरह से देख रहे हैं इस जनसभा को? जी, तरक्की, बीजेपी मतलब तरक्की ही तरक्की है। अभी यहाँ पे स्कीम्स, अभी बीजेपी प्रशासित शासन नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम लोग कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी के अब 10 साल के कार्य को और उनके स्कीम्स को लोगों तक लेके जा रहे हैं और वो स्कीम्स अब लोगों तक पहुँचने लगे, इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है। करीब करीब मुझे लगता है लाखों में लोग संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले लोकसभा के लिए भी उत्सुक है। अपने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब घर से आते हैं, एक चाय वाला लोग बोलते हैं, चाय वाला घर से आने के वजह से गरीब लोगों का जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम्स, वो समझते हैं। समझ के एक एक स्कीम वैसे बनाया गया जो गरीब लोगों के लिए आज तक कोई नहीं बना सका, वैसे स्कीम्स है, इसलिए लोगों बहुत उत्सुक है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। सेल्विन, के अन्नामलाई जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़ी यात्रा वो चला रहे थे, उसका समापन भी हो रहा है इसी रैली के माध्यम से,
तो किस तरह से देख रहे हैं जो अभियान चल रहा है तमिलनाडु में बीजेपी का? जी अभी हमें भी पता नहीं था कि इतना बीजेपी के लिए सपोर्टर्स होंगे करके भी अन्नामलई जी के ये रैली के वजह से गली गली तक बीजेपी पहुंच गया, गली गली तक कमल पहुंच गया है। अभी ये 2024 में भी आप और आने वाले 26 असेंबली इलेक्शन में भी आप देख सकोगे कि हर जगह कमल ही खिलने वाला है तमिलनाडु में। हम देख रहे हैं देश भर में बीजेपी सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है, तमिलनाडु में भी कुछ सहयोगी जुड़े हैं, जीके वासन की पार्टी से सहयोग हुआ है, कहा जा रहा है कुछ दिनों में और सहयोगी बीजेपी को मिल सकते हैं, क्या उम्मीद है आप लोग? जी जो भी भारत माता के सेवा के लिए हाजिर है वो उनका सबका स्वागत है बीजेपी में, तो इसलिए आप लोगों समझदार हो गए, अभी पहले जैसा नहीं है, अभी अब साउथ इंडिया में भी लोगों को समझदारी आ गया है कि बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी हु सर्व्स द मदरलैंड, ये मातृभूमि के लिए सेवा के लिए आने वाले सिर्फ बीजेपी में ही है, और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में सब लोग आगे होकर आ रहे हैं, हमें भी आना चाहिए, हम भी आने वाले मातृभूमि के सेवा के लिए करके सब लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत भी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और वहीं तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम किसान निधि के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त भी जारी करेंगे और नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत लगभग 3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 5.5 लाख महिला SHG को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में OBC श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 मार्च तक झारखंड और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3rd दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही ओडिशा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के हॉलिडे होम की आधारशिला भी रखेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति रायरंगपुर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं और एक खेल परिसर की भी आधारशिला रखेंगी। वहीं बरसाही में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी शुभारंभ करेंगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात राजनीति की करते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बीती कल शाम से काफी तेज हलचल है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुबह कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। कल ही उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद कह दिया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल को संभालने के लिए अपने 2 दिग्गज DK शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है, जो पार्टी के भीतर मचे हड़कंप को शांत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी। दरअसल कल हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां स्पष्ट बहुमत वाली सुक्खू सरकार के किले में सेंध लगा दी है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के हर्ष महाजन को चुनाव में जीत दिला दी और कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। हिमाचल की 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जिन्होंने चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 महीने और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अपनी गाड़ी में, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। वहीं हिमाचल से राज्यसभा जाने वाले बीजेपी सांसद हर्ष महाजन कह रहे हैं कि ये जीत बीजेपी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है।
रही बात क्रॉस वोटिंग की, तो ऐसा करने वाले विधायकों ने बता दिया है कि वो उनकी सरकार से नाराज हैं। नहीं, मेरी जीत जो है ये मेरी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और सुक्कू सरकार की नाकामियों की हार है ना। और मेरे ख्याल इतनी जल्दी सरकार का कोई ग्राफ गिर जाए सवा साल में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वोट क्रॉस वोटिंग हुई है इसीलिए मेरे को हुई है कि वो विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। तो मेरे तो सब जान पहचान की है, मैं अब इतनी देर पॉलिटिक्स में हूँ, तो मेरे ख्याल आम आदमी की जीत है ये और मेरी पार्टी की जीत है। और वहीं बात अब कर्नाटक की करते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव के बाद एक अलग ही मामला सामने आ गया। यहां भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्यसभा चुनाव में विजेता घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता नासिर हुसैन के समर्थकों ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नासिर हुसैन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और संसदीय दल के सचेतक भी हैं। बीजेपी का कहना है कि नासिर हुसैन ने इसके बाद कोई माफी नहीं मांगी और ना ही नारे की निंदा की, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के दावों का भी खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसकी निंदा करने के बजाय नासिर हुसैन गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अब सीधा तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। From Congress party in the Vidhan Sabha itself, which is the most sacrosanct building of the democracy of Karnataka, there pro-Pakistani, Pakistan Jindabad slogans have been raised by the Congress party workers. Instead of condemning this, Mr. Nasir Hussain is trying to mislead and saying that somebody is spreading a false news, which is more dangerous. Congress party, when it was in power, they used to hobnob with the Pakistan. Now they are directly supporting the Pakistan. वहीं उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अपनी जीत के बाद बेहद उत्साहित हैं और इस जीत के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का सपना भी देख रही है। क्या कह रहे हैं ये सांसद, आइए सुनते हैं। 8 तो हम जीते हैं, उत्तर प्रदेश की आगामी लोकसभा चुनाव के 8 के स्थान पर 80 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम लोगों को लोकसभा की 80 सीटें की ओर भेजने का संकेत कर रही है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी हुए और यह एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। ये हम लोगों की जीत पहले से सुनिश्चित थी और अब हम लोग उच्च सदन में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है देश के विकास का, उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं 3 राज्यों में कल हुए राज्यसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में सपा के विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा का 8वां उम्मीदवार जीत गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन सपा के बागी विधायकों ने सपा पर ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए। भाजपा ने कहा कि आज देश मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है और यूपी के नतीजों ने ये एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर हुए आज चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के साथ बड़ा खेला हो गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग में विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 8 उम्मीदवार जीत गए तो समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जीत पाए। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद सपा को यूपी में तगड़ा झटका लगा है। आम चुनाव 2024 से पहले सूबे की सियासत के लिहाज से सपा विधायकों की बगावत अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रही है। अपने कुनबे को संभाल न पाने वाली समाजवादी पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के लिए भाजपा पर आरोप लगा रही है। नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी, अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे
कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सपा के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है और कहा है कि देश आज मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है और जनप्रतिनिधि भी मोदी जी के नेतृत्व में साथ आ रहे हैं। जो पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने अपनी अंतरात्मा पर राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव पर निशाना साधा है बल्कि सपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया, नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे, हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आज की डेट में क्या लगता है शिवपाल जी को कि कोई विधायक बिक सकता है? और शिवपाल जी भी कुछ दिन बाहर रहे हैं, बाहर रोड भी किए हैं, कैसे किए हैं ये खुद देख समझ ले। कार्रवाई भी देखते हैं, बाकी क्या आदमी आरोप लगा रहा है पत्रकार वगैरह उसे क्या मतलब है। सपा विधायक मनोज पांडे ने न केवल क्रॉस वोटिंग की बल्कि विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता रहे हैं। रायबरेली में जन्मे मनोज पांडे 2012 के विधानसभा में पहली बार चुनाव जीते। इसके बाद अखिलेश सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 2017-2022 में भी चुनाव उन्होंने लड़ा और इसमें भी बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। यूपी के 10 राज्यसभा सीटों के लिए हुए मतदान में एनडीए के 8 उम्मीदवारों की जीत के बाद यूपी की सियासत के नए समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के ये नतीजे कई नए संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर जुलाई 2022 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया है। जस्टिस यादव और जस्टिस अवस्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रह चुके हैं। वहीं सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की को गैर न्यायिक लोकपाल नियुक्त किया गया है। और चलिए अब बात करते पश्चिम बंगाल की, जहां संदेश खारी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद कोर्ट से प्रदर्शन की अनुमति हासिल की है। भाजपा ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार आम लोगों का दमन कर रही है लेकिन टीएमसी नेताओं को बचा रही है। संदेश खाली के मुद्दे पर भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार आक्रामक है। इसी क्रम में पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन की अनुमति को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने कोलकाता मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 28 और 29 फरवरी को प्रदर्शन करने की अनुमति दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को माइक्रोफोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि 150 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे और प्रदर्शनकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि न हो। संदेश खाली मामले पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने उन पर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वो लोग शाहजहां शेख को बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति करती है। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन के खिलाफ 800 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन उन पर हाथ डालने से ममता सरकार के हाथ कांपते हैं। हालांकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। शेख शाहजहां को बचाने के लिए एक्सट्रीम जितना जा सकते हैं ये लोग जा रहे हैं। जैसा ममता बनर्जी भी पूरा
शेख शाहजहान को पूरा छुपा के रखने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अभिषेक बनर्जी भी चाहते नहीं है कि शेख शाहजहान अरेस्ट हो जाए, इसलिए बार बार कोर्ट के ऊपर मतलब उनका जो हुआ है कोर्ट के ऊपर बोल रहा है कि कोर्ट नहीं बोला था, कोर्ट ने रोक के रखा था, और कोर्ट बोल रहा है हम लोग तो मतलब रेडी है। शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन शेख के खिलाफ 800 से अधिक मामले अब तक दर्ज हुए हैं, लेकिन शाहजहां शेख या सिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने की बजाय जो प्रदर्शनकारी हैं उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उन पर तो ममता की सरकार निर्ममता से लाठियां बरसाती है, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से उनके हाथ कांपते हैं, ये समझ से परे है। हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ये पुलिस का ऊपर है, जल्दी से जल्दी शाहजहां शेख उनको अरेस्ट करने का ये प्रोसेस चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में हो रही महिला अत्याचारों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनाएं शर्मनाक है। आशा है ममता जी इस पत्र पर संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के पीड़ितों के प्रति न्याय करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से अपनी आवाज उठाने का भी अनुरोध किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने अपने परिसरों में मतदाता जागरूक अभियान चलाने को कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और पहली बार मतदाता बने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने का भी आह्वान किया है। और साथ ही आपको बता दें कि आज देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। इसका उद्देश्य भारत के भविष्य निर्माण में घरेलू प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल देना है। इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिस कारण वर्ष 1987 से प्रतिवर्ष इसी दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के योगदान को याद करना है, साथ ही विज्ञान के महत्व को भी समझना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब खेलों की करेंगे जहां पर, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि भारतीय जेफ क्रिकेट टीम 6 मार्च से 12 मार्च तक क्रिकेट तक शारजहा यूएई में आयोजित होने वाली बधिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 विश्व कप में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।